A very warm good morning to all of my dear students. How are you? Hope you all are fine and following your online classes regularly. So today I am here to teach you a new lesson in your English literature. Lesson 10, A Trip to the Pond, page number 79. So in this lesson, we are going to learn and find out what class 2nd did on field day. So let's start. It was a sunny day as the kids settled down in the classroom. As Miss Neeru watched them, everybody was very excited as it was a field day. Field day means a day when the children go out in the ओपन टू लर्न समथिंग न्यू. फील्ड डे क्या होता है? फील्ड डे ऐसा डे होता है जिसमें बच्चे बाहर जाएंगे और कुछ एनवायरमेंट से, कुछ हमारे नेचर से कुछ सीखेंगे. तो आज फील्ड डे का टर्न था, इसलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे. एंड एक्साइटेड लिटिल अलका चर्ब मीन्स सेड, मैम वेयर आर वी गोइंग टूडे? अलका ने एक्साइटेड होकर क्या पूछा मैम से कि मैम हम लोग कहाँ जाएंगे आज? Would there be swings? Jumped in Deepa. अलका की बात के साथ साथ दीपा ने क्या कहा? Would there be swings? क्या वहाँ पे swings होंगे? Swings means झूले. क्या वहाँ पे झूले भी होंगे? Kids, calm down. Today we will go to झिलमिल Park. ये किसने कहा? Teacher. Teacher कहती है kids calm down, settle हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग कहाँ जाएंगे? झिलमिल Park. You will love it. आप लोग को बहुत पसंद आएगा. It has swings, lovely ducks, swans and of course the beautiful झिलमिल pond. टीचर क्या कहती है बच्चों को? कि वहाँ पे बहुत सारे swings होंगे, झूले होंगे, lovely ducks होंगी, swans होंगे and of course the beautiful झिलमिल pond. और एक pond होगा जिसका नाम है झिलमिल. This invited huge cheers from the whole class. This set out soon enough. पूरी क्लास क्या हो गई? बहुत एक्साइटेड हो गई. क्यों? क्योंकि वो लोग झिलमिल पॉन्ड देखने जाने वाले थे. वहाँ पे फिर बहुत सारे स्विंग्स थे, बहुत सारे डक्स स्वान्स थे. सो बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला था, इसलिए सारे बच्चे क्लास के बहुत एक्साइटेड हो गए. द बस राइड वेंट बाय चेयरफुली एंड ऑल द किड्स वर जंपिंग इन जॉय बाय नाउ. सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए. चेयरफुली मीन्स बहुत ही हैप्पीली बस में जाके बैठ गए. बस से वो लोग अब फील्ड डे पे झिलमिल पॉन्ड देखने जा रहे थे. आई हैव नेवर सीन अ रियल पॉन्ड, सेड दीपा. शी वॉक्ड अलॉन्ग साइड मिस नीरू टू द पॉन्ड. दीपा ने क्या कहा? मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रियल पॉन्ड नहीं देखा है. बट As she saw the pond, she could not hide her disappointment. But जैसे ही दीपा ने पॉन्ड देखा, वो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई. मतलब वो बहुत सैड हो गई. बहुत ही सारी एक्साइटमेंट सब चला गया. क्यों? दीपा, झिलमिल पॉन्ड इज नो लॉन्गर वॉट इट यूज टू बी. इट हैज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ गार्बेज फ्लोटिंग इन इट. ओके, तो सो दीपा को डिसपॉइंटमेंट क्यों हुई? क्योंकि जो झिलमिल पॉन्ड था वो पूरा सूखा हुआ था. उसके अंदर इतना सारा गार्बेज था, इतना सारा वेस्ट था जिसको हम लोग कूड़ा बोलते हैं, और वो पूरा सूख गया था. उसमें पानी भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए दीपा की सारी एक्साइटमेंट चली गई थी. और जो सारा वेस्ट था, जितने सारे गार्बेज थे, वो ऊपर झिलमिल पॉन्ड के ऊपर तैर रहे थे. यस मैम, व्हेन आई केम हेयर विद माय फादर अ फ्यू मंथ्स बैक, ही टोल्ड मी हाउ फैक्ट्रीज थ्रो वेस्ट इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज एंड पल्यूट देम, एडेड गुरप्रीत गुरदीप सॉरी. सो इसी बीच में गुरदीप क्या कहता है कि मैं कुछ मंथ्स पहले अपने फादर के साथ आया था यहाँ पे. तो मेरे फादर ने मुझे बताया था कि कैसे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट पॉन्ड्स में, रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है. जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है उसका, उसमें जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब इसमें डाल दिया जाता है और हमारा जो पल्यूशन होता है वो बढ़ता जाता है. योर फादर इज राइट गुरप्रीत,
गुरदीप, टीचर क्या कहती है कि तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे थे गुरदीप, दिस इज व्हाई आई वांटेड टू शो दिस पॉन्ड टू यू ऑल. मैम कहती है इसीलिए, यही एक रीज़न है मैं तुम लोग को ये पॉन्ड दिखाना चाहती थी. इट इज़ नॉट जस्ट फैक्ट्रीज किड्स, और ये सिर्फ फैक्ट्रीज का गार्बेज नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट्रीज का वेस्ट नहीं है, पीपल आर टू ब्लेम टू, और ये लोगों की भी गलती है. डू यू नो वाई दिस पॉन्ड एंड मैनी अदर्स आर ड्राइंग अप? क्या तुम लोग को पता है ये पॉन्ड और बहुत सारे ऐसे ही पॉन्ड्स क्यों सूखते जा रहे हैं? इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डू नॉट सेव इनफ वाटर, क्योंकि हम जैसे लोग और बहुत सारे दुनिया में लोग पानी को, वाटर को सेव नहीं करते हैं. वी लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग, हम लोग ब्रश करते वक्त टैप को ओपन कर देते हैं. जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग में से भी बहुत लोग करते होंगे, ब्रश करते करते जो पानी का नल होता है उसको ऑन स्टार्ट करके रखते हैं, पानी बहता जाता है, हम लोग ब्रश करते जाते हैं. इससे क्या होता है, इससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा होता है. वी टेक टू लॉन्ग इन द शावर, हम लोग नहाने में इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इतना सारा पानी वेस्ट करते हैं. एंड वी पोर वाटर इन ग्लासेस बट डू नॉट ड्रिंक इट, डोंट वी? और हम लोग कभी कभी बहुत सारा पानी ले लेते हैं लेकिन पीते नहीं है, या फिर बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. तो क्या हम लोग इससे अपना सारा पानी बचा सकते हैं? बचा सकते हैं बिल्कुल. यस मैम, यस्टरडे आई बाथ फॉर हाफ एन आवर, सेड फैजल. फैजल ने कहा, क्या कहा? मैं, मैम, मैंने कल हाफ एन आवर नहाया, नहाने में टाइम लिया. इट मीन्स कि उसने कितना सारा पानी वेस्ट किया है कल. मिस नीरू कंटिन्यूड, नीरू कौन है? मैम है, बच्चों की जो टीचर है. वो बोलना कंटिन्यू करती है, इमेजिन फैजल हाउ मच वाटर यू यूज्ड अप. वो फैजल से कहती है कि तुमने कल इतना टाइम लगाया पानी नहाने में, तो आप इमेजिन करो कि आपने कितना सारा पानी यूज़ किया होगा. बट मैम दैट वाटर वॉज फ्रॉम माई हाउस वाटर सप्लाई, हाउ डिड इट ड्राई अप दिस पॉन्ड? बट फैजल कहता है कि मैम वो तो मेरे पानी वाले सप्लाई से पानी आता है, तो वो पानी इस पॉन्ड को कैसे सुखा रहा है? उसका क्वेश्चन भी इन जायज़ था. वो कहता है कि जो हम लोग के यहाँ पे पानी का सप्लाई आता है वहाँ से पानी आता है, उसको मैं यूज़ करता हूँ ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, तो मैं इस पॉन्ड को कैसे सुखाने में सुखा रहा हूँ? फैजल वी ऑल यूज़ ग्राउंड वाटर, टीचर समझाती है उसको कि फैजल हम सब ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं. ग्राउंड वाटर मीन्स वाटर दैट इज एब्जॉर्ब बाय सॉइल एंड स्टोरेज अंडरग्राउंड, जो हम लोग के धरती के नीचे पानी स्टोर होता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं. सो वी ऑल यूज ग्राउंड वाटर, द मोर यू यूज द मोर द वाटर टेबल डिप्लेट्स. जितना हम लोग पानी यूज़ करेंगे उतना ही वो ग्राउंड वाटर रिड्यूस होता जाएगा. एंड ऑल द नेचुरल वाटर बॉडीज ड्राई अप, और जितने भी नेचुरल बॉडीज है वो अपने आप सूखना स्टार्ट हो जाएंगे. वॉट इज़ वाटर टेबल, आस्क्ड अलका. अलका इस बीच में क्या पूछती है मैम से कि मैम वाटर टेबल क्या होता है? इट इज़ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. वाटर टेबल क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल. इनफ ऑफ लर्निंग, गो एंड प्ले नाउ. फिर इस बीच में मैम क्या कहती है, आज के लिए इतना बहुत है, इतनी लर्निंग बहुत है, जाओ अब इंजॉय करो अपना फील्ड डे. बी सेफ एंड डू नॉट थ्रो एनी थिंग इन टू द पॉन्ड, अच्छे से खेलना और कुछ भी पॉन्ड में थ्रो मत करना, कोई भी गार्बेज पॉन्ड में मत फेंकना. दैट नाइट ऑल द किड्स ब्रश्ड एंड ब्रश देयर टीथ विद द टैप्स क्लोज. उस दिन सारे बच्चों ने क्या, कैसे अपना ब्रश किया नाइट में, सारे बच्चों ने टैप को क्लोज करके, नल को बंद करके ब्रश किया, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो. सो किड्स वी हैव टू सेव वाटर. होप यू फाइंड द लेसन यूजफुल.